नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं प्रिया, स्वागत करती हूं आपका हमारे खास प्रोग्राम सियासी दंगल में। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में अब 6 महीने का ही समय बचा है, जिसको देखते हुए बीजेपी हर वर्ग को साधने में जुटी हुई है। पहले ब्राह्मण से दलितों तक और पिछड़ों से अति पिछड़ों तक को साधने के लिए कई कदम उठाए गए, वहीं अब वो वर्ग जो बीजेपी से सबसे ज्यादा नाराज चल रहा है, उसे मनाने में बीजेपी जुट गई है। लखनऊ में सीएम योगी ने 54 जिलों के किसानों से मुलाकात की और कई सौगातें किसानों को दे दी। आपको बता दें, 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत होनी है, जो किसान आंदोलन का भविष्य तय करेगी। उससे पहले ही सीएम योगी का ये पैतरा बीजेपी को 2022 में बड़ा फायदा पहुंचा सकता है। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन की 5 सितंबर को होने वाली महापंचायत किसान आंदोलन का भविष्य तय करने वाली है। महापंचायत को सफल बनाने के लिए भाकियों के नेता गांव-गांव बैठ के कर रहे हैं। वहीं योगी सरकार महापंचायत के पहले किसानों को साधने में जुट गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर किसानों के साथ संवाद कर उनके मन की बात जानी और किसानों को खुश करने के लिए पिटारा खोल दिया। उन्होंने गन्ना मूल्य जल्द बढ़ाने सहित कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले कृषि कानून विरोधी आंदोलन की हवा निकालने के लिए योगी सरकार ने बड़ा दांव चला है। सुबह की 90 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी किसान मोर्चा के किसान संवाद कार्यक्रम में रिपोर्ट तैयार की गई, जिसमें पार्टी नेताओं ने गांव-गांव जाकर किसानों से बात की और उनकी समस्याओं को जाना। इसके बाद प्रगतिशील किसानों के साथ मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर बैठक बुलाई गई, जिसमें करीब 54 जिलों के 154 किसान शामिल हुए। सीएम योगी ने किसानों से बातचीत कर उनके मन को टटोला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि फसल अवशेष पराली जलाने के कारण किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएंगे। इतना ही नहीं, उन पर जो जुर्माना लगाया गया है वो भी खत्म होगा। किसानों को कृषि अवशेष न जलाने के लिए जागरूक किया जाएगा। योगी सरकार का ये फैसला वैसे तो सभी किसानों के हित में है, लेकिन पश्चिम यूपी में ये बड़ा सियासी मुद्दा रहा है। गन्ना किसानों की मांग को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि साल 2010 से बकाया रहे अधिकांश गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है। अब सरकार गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी करने जा रही है। सभी संबंधित पक्षों से विमर्श कर बहुत जल्द इस बारे में घोषणा की जाएगी। नए पेराई सत्र से पहले बकाया गन्ना मूल्य के पूरे भुगतान की बात भी सीएम ने कही है। 96 महीनों का गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना किसानों का बकाया था। पिछले 4-4.5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान हमारी सरकार ने 1,42,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान किया है। आज हम इसको 96 महीने से घटा घटा करके 4 महीने लेके आ गए हैं और 4 महीने तक लेने के बावजूद भी हम क्या कर रहे हैं, हम और कम करते थे। इस करंट सीजन का भी 82% से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान हो चुका है। जो बाकी बचा है, हमारा प्रयास है नया सीजन शुरू होने के पहले ये गन्ना मूल्य का भुगतान अनिवार्य रूप से। साथ ही नए पेराई सत्र की तारीख भी तय कर दी। उन्होंने कहा कि पश्चिम क्षेत्र में 20 अक्टूबर से चीनी मिलें शुरू हो जाएंगी, जबकि मध्य क्षेत्र में 25 अक्टूबर से मिलें चलेंगी। मुख्यमंत्री के आवास पर हुई बैठक में किसानों के बिजली बिल बकाए की बात भी सामने आई। इस पर योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बिजली बिल बकाया होने के कारण किसी भी किसान के ट्यूबवेल कनेक्शन को काटा नहीं जाएगा। साथ ही किसानों को आश्वस्त किया कि बिजली बिल बकाए पर उन्हें ब्याज ना देना पड़े, इसके लिए एक मुश्त समाधान योजना यानी OTS भी लाई जाएगी।
बैठक के दौरान कुछ किसानों ने आवारा पशुओं की वजह से फसलों को होने वाले नुकसान का हवाला देते हुए गौशालाओं को व्यवस्थित करने का सुझाव दिया। किसान की इस बात पर सीएम योगी ने कहा कि गौशालाओं को व्यवस्थित किया जा रहा है, अब इसके लिए कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी, जिससे किसानों की फसल को नुकसान से बचाने का काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के साथ संवाद के दौरान अपने 4.5 साल में किसान हित में किए गए कामों को भी बताया। चीनी का कटोरा कहे जाने वाले पूर्वांचल और गन्ना बेल्ट के पश्चिमी यूपी की चर्चा करते हुए कहा कि 2017 से पहले सरकारों ने चीनी मिलों को बंद किया था। बीजेपी सरकार बनने के बाद रमाला हो या पिपराइच या मुंडेरवा, कहीं नई चीनी मिले लगी तो कहीं पुराने का जीर्णोद्धार कराकर फिर चलाया गया है। इसके अलावा गन्ना किसानों के भुगतान के आंकड़े साझा करते हुए योगी ने बताया कि वर्ष 2007 से 2016 तक मात्र 95,000 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ था। 2010 के बाद से 96 माह तक सब बकाया था और बीते 4.5 वर्षों में 1,42,000 करोड़ का भुगतान हुआ है। अब मात्र 4 माह का बकाया है, जबकि वर्तमान सत्र में 82% मूल्य का भुगतान कर दिया गया है। ऐसे ही गेहूं खरीद का भी मुख्यमंत्री ने किसानों के सामने आंकड़ा रखा और बताया कि कैसे रिकॉर्ड खरीदारी उनके सरकार में की गई है। बता दें, 3 केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों ने जमकर विरोध किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि बीजेपी को घेरने के लिए विपक्ष को मुद्दा मिल गया। 2022 में विधानसभा के चुनाव हैं और योगी सरकार को ये मालूम है अगर किसानों की नाराजगी दूर नहीं की गई तो बीजेपी को चुनाव में नुकसान हो सकता है। इसी के चलते अब योगी सरकार किसानों को साधने में जुट गई है और जगह जगह बीजेपी किसान सम्मेलन तो कर ही रही है, साथ ही खुद सीएम योगी ने किसानों से मिलकर उनकी समस्याओं को भी जाना है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।